अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ आम का जाम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है। आम के सीजन में बहुत सारे रेसिपी निकाल सकते हैं। आज हम बनाएंगे आम का जाम। चलिए रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो आम लिया है, इसे अच्छे से धो लेना है। चलिए आम को कट कर लेते हैं। बाउल में डालेंगे। इसी तरह से आम को कट कर लेना है। देखिए, आम के पल्प को निकाला है, अब जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, इस तरह से होना चाहिए। मैंगो पल्प को पैन में डालेंगे। अच्छे तरह से पोंछ के डालेंगे। चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हाई रखकर पकाएंगे। देखिए, यहाँ पर बबल्स आ रहे हैं। इस पोजीशन में शक्कर डालेंगे 240 ग्राम। अच्छे से मिक्स करेंगे। जाम में शक्कर कम नहीं डालना चाहिए, मेरे हिसाब से डालिए, अच्छा परफेक्ट जाम रेडी होता है। ऐसे ही चलाते रहना है। एक पिंच सॉल्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके चलाते रहना है। फ्लेम को मीडियम करेंगे। आम क्यूब्स डालेंगे, मुंह में डालने से बहुत ही मजा लगता है जाम। देखिए, इस तरह से पकना है, ज्यादा भी पकाना नहीं है जाम को। अगर ज्यादा पकाए तो रबर के जैसा हो जाता है। अब चेक करने के लिए थोड़ा सा प्लेट में निकालेंगे। ठंडा होने के बाद चेक करके देखेंगे। देखिए, परफेक्ट जाम रेडी हुआ है। देखिए, यहाँ पर प्लेट में नितरा नहीं है। देखिए, इस तरह से होना है जाम। जाम को बाउल में निकाल लेते हैं।
चलिए मैं ब्रेड को लगाकर बताती हूँ। जाम देखिए कितना बढ़िया बना है, जाम माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है। आप भी ट्राई कीजिए, हर रेसिपी को मेरे ट्राई कीजिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। गिलास के कंटेनर में भी डालकर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से होना है बॉटल। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है आम का जाम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।